चीज की तैयारी कर रही हैं आप? सर मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ। अभी क्या क्वालिफिकेशन है आप? मेरी ग्रेजुएशन हो चुकी है और मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में हूँ। अच्छा, ग्रेजुएशन किन सब्जेक्ट से की? सर मैंने PCM से किया है। और PG किस में कर रही हैं? सर मैं PLLD कर रही हूँ फिलहाल। अच्छा, तो ये जो तैयारी कर रही हैं आप यहाँ पे, सर यहाँ से क्या सपोर्ट मिल रहा है आपको? सर आज के टाइम पर एक विलेज में लाइब्रेरी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम इस परिवेश में वो चीज़ें नहीं मिल पाती हमें जो फिलहाल हमें इस लाइब्रेरी में मिल रही है। हमें यहाँ पर एक अच्छा वातावरण मिल रहा है, शांत माहौल मिल रहा है और वो सब फैसिलिटी मिल रही है जो एक स्टूडेंट को चाहिए ज़्यादातर। आप क्या करना चाहती हैं, क्या बनना चाहती? सर मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि मैं अपने देश की कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से सेवा कर पाऊँ। बहुत सारे माध्यम हो सकते हैं, आप में जा सकती हैं, आप IAS बन सकती हैं, IPS बन सकती हैं, डॉक्टर बन सकती हैं। सर मैं अपने देश की एक अध्यापक के रूप में अध्यापक सेवा करना चाहती हूँ। जी सर, तो बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। कीर्ति चौहान। कीर्ति, आपके फादर क्या करते हैं, किसान हैं? नहीं पापा, CISF में है। CISF में है। आप किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम। किस टाइप के कॉम्पिटिशन की तैयारी? फिलहाल स्टेट एग्जाम। और आपकी क्वालिफिकेशन अभी क्या है? ग्रेजुएशन चल रही है सर, मेरी सेकंड ईयर। हम अंशु चौहान है। अंशु, हाँ जी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है अंशु? मैंने बेबी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। अच्छा, अभी क्या कर रहे हैं? अभी फिलहाल DLED में रजिस्ट्रेशन कराया है। अच्छा, हाँ जी। आपके फादर क्या करते हैं? फार्मर है। मैं? फार्मर, किसान। हाँ जी। तो आप टीचर बनना चाहती हैं? जी। यहाँ आपको ठीक एनवायरनमेंट मिल रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा है। ये अच्छा है ना कि लड़कियों के लिए किस स्पेस है? हाँ जी। चलिए परफेक्ट। ज्योति कितने कहाँ तक पढ़ी हैं आप? सर ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन हो गई कंप्लीट। किस स्ट्रीम में किया? साइंस में थी, आर्ट्स में थी, एग्रीकल्चर में थी, आर्ट्स। क्या सब्जेक्ट थे आपके पास? सर पॉलिटी, सोशियोलॉजी और ज्योग्राफी। अब क्या बनना चाहती हैं? सर वैसे तो SI की तैयारी कर रही हूं। दरोगा बनना चाहती हैं? और इतना धीरे से बोलेंगे दरोगा बन के, हैं? जो आंदोलनकारी होंगे, कहीं डेमोंस्ट्रेशन कर रहे होंगे, या जो गुंडा एलिमेंट्स होंगे, जब आप उन पर एक्शन करेंगी तो वो इतना सॉफ्ट स्पोकन नहीं होंगे ना? चलिए ठीक है। यहाँ कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा। आपके फादर क्या करते हैं? सर किसान है। किसान है, तो किसान की बेटी दरोगा बनना चाहती है। बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक। आपका नाम क्या है? निधि। निधि, आप कहाँ तक पढ़ी है निधि? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन हो गई आपकी, किस स्ट्रीम में की? आर्ट सर। थोड़ा दमदारी से बोलिए। आर्ट। आर्ट्स। अच्छा, अभी क्या कर रही हैं? अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी। दिल्ली पुलिस की तैयारी। दिल्ली पुलिस की तैयारी। आपके फादर क्या करते हैं? किसान है। किसान। अच्छा, कितने भाई बहन हैं आप? 5। बाकी भाई बहन क्या करते हैं? बड़े भाई है जो आर्मी में है। ओके। 2 बड़ी बहन है, उनकी शादी होगी, 1 छोटे वाली। अच्छा, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है यहाँ पे? अभी तो ठीक है। ये टैब है आपके पास? नहीं, ये क्या है? ये दीदी का है। दीदी का है जी। आप चला रहे हैं? उन्होंने ज्योति। ज्योति, आप कितना पढ़ चुके अब तक? मैंने ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन कर लिया। पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है, BEd भी कर रखी है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो PG किस में किया आपने? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में PG किया। और यहीं की रहने वाली हैं आप? केटल की। मैं यहाँ पे अभी 2 साल पहले ही आई हूँ, पहले मैं बाहर पढ़ती थी हॉस्टल में। अच्छा, आपके फादर जॉब में हैं? एक साल में ऑफिसर थे। अच्छा, अब आपका परिवार रिटायर हो गया आपके फादर, और परिवार गाँव में रहता है। तो अब आप अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया, तो नेट वगैरह की तैयारी नहीं की? वो नहीं की, वो मतलब लॉकडाउन हो गया था, उसके बाद कोचिंग वगैरह सब वही है कि आपको पता ही है क्या हुआ था। हाँ, तो उस वजह से वो तो छूटी गई थी। अब मैं काफी मोटी मोटी किताबें आपको पढ़नी नहीं, ये रेफरेंस रहे तो बुक नहीं है, रेस्ट रहे तो। अच्छा अच्छा, चलिए। अच्छा नहीं, बढ़िया है ज्योति। आप राखी, आप किस क्लास में होगी? ग्रेजुएशन। अभी ग्रेजुएशन हो गई, अभी क्या बनना चाहते हैं? मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ। यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं? यूपी पुलिस। यूपी पुलिस की। अच्छा, पुलिस में क्या बनना चाहती हैं? दरोगा बनना चाहती हैं? बुलेट लेके चलेंगी आप? पिस्टल लगा के एकदम। चलिए अच्छा, आपके घर में कोई जॉब में है? हाँ जी भैया बड़े। क्या करते हैं? स्वास्थ्य मंत्रालय में। अच्छा, और आपके फादर? रेडी मजदूर। अच्छा, क्या करते हैं, किस टाइप का काम करते हैं?
ऐसी जी मजदूरी कही भी एक बांधने की ये बड़ी बात है आपके लिए। आपके भाई स्वास्थ्य मंत्रालय में चले गए हैं और आप दरोगा बन के घूमिएगा, बुलेट पे पिस्टल लगा के आराम से बदमाश एक्शन लीजिएगा, ठीक है? पढ़िए ठीक ठाक दमदारी से, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। तो ये किरठल गांव की बेटियां हैं जो पढ़ाई में लगी हुई हैं और इनके लिए यहाँ गोडवेल डिग्री कॉलेज में एक बहुत बढ़िया सेंटर अवेलेबल है और इस सेंटर को चलाते हैं राजीव जी। हम उनसे भी बात करेंगे अभी कि उन्होंने किस तरह से इसको शुरू किया और किस तरह से फाइनेंसेस अरेंज किए इसके लिए। फिलहाल जिस तरह से हमने आपको दिखाया कि किरठल गांव एक बहुत ही प्रगतिशील गांव है और इसका एक शानदार अतीत है, यहां से निकले लोगों ने देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है अलग अलग सेगमेंट्स में, यहां से आईएएस निकले, यहां से इंजीनियर्स निकले, यहां से तमाम आचार्य निकले, यहां से राजनेता निकले और अब ये बेटियां कल यहां आसमान में छाने को तैयार हैं और संघर्ष कर रही हैं। इनकी आवाज़ भले ही अभी बहुत सॉफ्ट हो लेकिन इनका हौसला मजबूत है और ये लगातार पढ़ाई में परिश्रम कर रही हैं। आइए राजीव जी से बात करते हैं जो इस सेंटर को चलाते हैं गोडवेल डिग्री कॉलेज में। राजीव जी, आपके दिमाग में कैसे आया कि गांव की बेटियों के लिए एक ऐसा सेंटर चलाया जाए जहाँ वो तैयारियाँ कर सकें? असल में पहले हमने जो है एक कॉमन लाइब्रेरी स्टार्ट की थी, हमारे पास में गाँव के बच्चे आना स्टार्ट हुए, पहले हमें इतना आइडिया नहीं था लाइब्रेरी के बारे में, चूँकि डिग्री कॉलेज हम चलाते हैं तो एक एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो जो बच्चे पहले हमसे पास आउट होके चले गए तो वे आना स्टार्ट हुए कि सर एक लाइब्रेरी का वो करो, हमें बहुत दूर जाना पड़ता है बड़ोत इधर कांधला, तो वहाँ पे बच्चे का आने जाने में टाइम वेस्ट होता है और थोड़ा खर्चा ही बढ़ता है, फाइनेंशियली उनको ज़्यादा पड़ता है रोज़ का पेट्रोल वगैरह। तो फिर हमने छोटी सी शुरुआत करी थी कि लाइब्रेरी तैयार की थी वो, तो विद इन 2-3 डेज के अंदर वो टोटल कंप्लीट होगी सीटें। वो कितनी फीस लेते हैं आप यहाँ? इनमें मैक्सिमम जो है 700 रुपये पर मंथ होता है और उसमें कोई लिमिट नहीं है पढ़ने की बच्चे की, अगर वो सुबह 5 बजे भी आ जाएगा और रात को वो 10 बजे भी जाएगा तो हम उसको ये नहीं कहेंगे कि भाई आप इतना टाइम हो गया है। आप इंटरनेट देते हैं, कंप्यूटर देते हैं? इंटरनेट देते हैं, वैसे मतलब हम इनको एक इन्वायरमेंट दे रहे हैं पढ़ने के लिए जो उनको घर पे नहीं मिल सकता या कहीं और नहीं मिल सकता। मोटिवेशन के लिए एक्सपर्ट्स भी रहते हैं? हाँ, हम खुद इनको मोटिवेट करते हैं, बच्चा एक दूसरे को देख के भी मोटिवेट होता है, जब उसके साइड वाले बेंच बैठ के जो पढ़ रहा है उसको लगता है कि जब ये पढ़ रहा है पिछले 5 घंटे से तो मैं क्यों नहीं पढ़ सकता। तो देखिए इस तरह से कंसेप्ट बदल रहा है, अब वो जमाना चला गया जब दिए की रोशनी में बैठ करके अकेला बच्चा इस गांव में पढ़ता था और वो देश भर में नाम कमाता था, अब सामूहिक रूप से बैठ करके पढ़ने का जमाना आ गया, गाँव के भीतर भी लाइब्रेरी का कंसेप्ट आ गया है और यहाँ बच्चियाँ बैठ करके तैयारी कर रही हैं। राजीव जी ने बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध कराया है। हम आपको और बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिखाएंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।